What do you mean by frame of reference? Frame of reference क्या होता है? How many types of frame of reference? Frame of reference कितने प्रकार का होता है? Frame of reference को हिंदी में निर्देश तंत्र कहते हैं. Frame of reference क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे frame of reference क्या होता है. मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन को हमें उसकी स्पीड चेक करनी है या ट्रेन की पोजीशन चेक करनी है कि ट्रेन कहाँ है, तो हम क्या कहते हैं, जनरली प्लेटफॉर्म पर अगर हम खड़े रहते हैं बोले ट्रेन जो है 45 किलोमीटर दूर है, तो हमने डायरेक्टली बोल तो दिया ट्रेन 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में दूर है, यानी हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ट्रेन 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म ने एक रोल अदा किया, उस प्लेटफॉर्म का रोल इतना है, सिर्फ प्लेटफॉर्म हमें ये बता रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में हमने ट्रेन की स्पीड को डिफाइन करा, यानी ट्रेन की पोजीशन को डिफाइन करा कि ट्रेन 45 किलोमीटर दूर है प्लेटफॉर्म से. तो प्लेटफॉर्म यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कहलाता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में, यानी जिसके सापेक्ष में हम किसी चीज को डिफाइन करें, परिभाषित करें कि इसके रिस्पेक्ट में ये है. तो जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष हम किसी चीज़ को नापते हैं, मेजर करते हैं, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है. डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी पार्टिकल या बॉडी की मोशन को या पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि मोशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन की जानी है. यानी इस लाइन का पूरा ये मतलब है कि कोई भी हमारे पास पार्टिकल है या बॉडी, मतलब कोई वस्तु है, उसकी अगर हमें मोशन, उसकी मोशन क्या है या उसकी पोजीशन क्या है, उसको हमें पता लगाना है, तो उसको पता लगाने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मोशन को या पोजीशन को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे. तो ये आई डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर. किसी पार्टिकल या बॉडी की मोशन को जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है. मतलब दोबारा समझाएंगे फिर, किसी पार्टिकल या बॉडी की मोशन को जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है. यानी जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज़ को डिफाइन करेंगे, वो उस चीज़ के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. किसी पार्टिकल या बॉडी की मोशन को जिसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है. एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ट्रेन है, वो 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रही है. हमने तीन ऑब्जर्वर लिए ट्रेन को नापने के लिए स्पीड को कि कहाँ है. एक ऑब्जर्वर ए लिया, एक ऑब्जर्वर बी लिया, एक ऑब्जर्वर सी लिया. ऑब्जर्वर ए हमने ट्रेन की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलता हुआ ले लिया. ऑब्जर्वर बी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में लिया वेलोसिटी से. और एक ऑब्जर्वर सी ले लिया जो रेस्ट में है. तो हम ट्रेन की स्पीड को जो है तीनों ऑब्जर्वर ए बी सी के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं. तो ट्रेन की स्पीड को अगर हम सी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो सी का जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन को देखेगा जो रेस्ट में है, तो उसे ऐसा लगेगा कि ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर ही है. लेकिन जो ऑब्जर्वर ट्रेन की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसको ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर नहीं दिखाई देगी. उसको ट्रेन की स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों की वेलोसिटी माइनस हो जाएगी, ट्रेन की और ए की. तो ए के रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर दिखाई देगी, जबकि बी के रिस्पेक्ट में अगर ट्रेन की स्पीड नापेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर दिखाई देगी. तो वही हमने एग्जाम्पल दिया, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मोशन करती है, ट्रेन की स्पीड
को ऑब्जर्व करने के लिए थ्री ऑब्जर्वर एबीसी हैं, ऑब्जर्वर ए ट्रेन की ऑब्जर्वर ए ट्रेन की डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर बी ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मोशन करता है जबकि ऑब्जर्वर सी रेस्ट में है। तीनों ऑब्जर्वर ए बी सी के रिस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड रिस्पेक्टिवली 30 किलोमीटर, ए के रिस्पेक्ट में कॉमा 50 किलोमीटर, बी के रिस्पेक्ट में एंड 40 किलोमीटर है। ट्रेन की स्पीड तीनों ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जा सकती है, इसलिए तीनों ऑब्जर्वर ए बी सी ट्रेन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अब टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी डेफिनेशन को याद करने के लिए हम एक छोटा सा चार्ट है उसे याद कर लेते हैं जिससे कि हमारे लिए वो डेफिनेशन याद हो जाती है इजिली। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एफ ओ आर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक जो रेस्ट में हो और दूसरा जो मोशन में हो। रेस्ट में कौन से होंगे, यानी जिसकी वेलोसिटी, रेस्ट में कौन से वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनकी वेलोसिटी जीरो हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करें। तो जिसकी वेलोसिटी जीरो होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेंगे उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, वी कांस्टेंट है तो डी वी और डी टी जीरो तो ए जीरो, यानी उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, यानी वो अनएक्सीलेटेड मोशन करेंगे तो वो अनएक्सीलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहलाएंगे और ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेंगे इसलिए हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और मोशन में जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसमें जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करते, यानी जिनका एक्सीलरेशन जीरो के बराबर नहीं होता, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। ये डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। अब दो टाइप में, पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय निर्देश तंत्र, वह सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। वह सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में होते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हैं, वह सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में होते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इन्हें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं। इसका एग्जांपल स्टार है, स्टार अपनी जगह पर खड़ा रह एक ही जगह रहता है इसलिए ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरे होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वह सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं करते हैं, दैट इज एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। इन्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल इसका अर्थ है, क्योंकि अर्थ अपनी जगह खड़ी रहती है एक ही जगह पर और ये लॉ ऑफ अर्थ इसलिए इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं क्योंकि अर्थ जब घूमती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो अपने एक्सिस पर घूम रही है तो उस हिसाब से तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, लेकिन जब सन के अबाउट वो चक्कर लगाती है तो वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करती है, यानी वृत्तीय गति करती है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में जब मोशन करती है, जब कोई भी चीज़ या कोई भी बॉडी सर्कुलर और सर्कुलर मोशन करती है तो उसका एक्सीलरेशन चेंज होता रहता है लगातार, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है जिसकी वजह से उसमें एक्सीलरेशन होता है, इसलिए अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमसे पूछें। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
इस ऐप में हमने आपको बीएससी के नोट्स दिए हैं, इसमें 3 हज़ार के पेपर हैं। इसमें आप जिस टॉपिक का भी खोलना चाहेंगे उस टॉपिक के नोट्स आपके सामने आ जाएंगे। यदि आपको उस नोट्स को समझ में नहीं आ रहा तो बराबर आप उसके नोट्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको यूनिवर्सिटी करंट नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है वो भी प्राप्त करा रहे हैं। इसमें हमारे आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आप इस ऐप के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी के तुरंत जवाब देंगे।